बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की तैयारी की जा रही है। बिहार का पहला 50 बेड का बच्चों का सुसज्जित अत्याधुनिक हॉस्पिटल सदर अस्पताल में बरौनी रिफाइनरी के द्वारा बनाया जाएगा। इसके साथ ही बरौनी रिफाइनरी परिसर में 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के लिए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस योजना पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बेगूसराय में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बरौनी रिफाइनरी के अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ऑनलाइन मीटिंग की। गिरिराज सिंह ने बताया कि बरौनी रिफाइनरी के द्वारा 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर जिला प्रशासन को दिया जाएगा। बरौनी रिफाइनरी में 1500 सिलेंडर रिफिलिंग के लिए ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित की जाएगी। सदर अस्पताल में पूरे बिहार के बच्चों के लिए 50 बेड का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल बनाया जाएगा और ऐसा बिहार में ये पहली बार होने जा रहा है। इसके साथ ही बलिया अनुमंडलीय अस्पताल को जहां सुसज्जित किया जाएगा, वहीं तेघरा अनुमंडल अस्पताल में 100 बेड लगाए जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार लगे हुए हैं। बेगूसराय उनका संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए वह मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आग्रह कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। बलिया तेघरा अनुमंडलीय अस्पताल और सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। कि भारत सरकार या राज्य सरकार, तीसरी लहर आने की जो आशंका है, भगवान न करे कि तीसरी लहर नाम की कोई चीज आए, लेकिन मोदी जी और बिहार सरकार, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, सब लोग चिंतित हैं। हम भी बेगूसराय के सांसद हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम मिनिस्टर और चेयरमैन के साथ मिलकर के आज ही वीसी किया, जिसमें ईडी सब लोग थे, और उस भीसी में उन्होंने टोटल जो बेगूसराय को देने का एक प्लान किया, सबसे बड़ा है कि बेगूसराय रिफाइनरी के अंदर 1500 प्रतिदिन सिलेंडर भरने वाला ऑक्सीजन की यूनिट लगेगी, 5 क्रायोजिन टैंकर होगा। ये तो अंदर से जो बेगूसराय को कवच कुंडल देगा, लेकिन बेगूसराय में 2 अनुमंडल अस्पताल, 1 सदर अस्पताल, तीनों में ऑक्सीजन जनरेटर भी होगा, आईओसी उसमें करेगी। सबसे बड़ी बात है कि बिहार का पहला कोविड के दृष्टि से बच्चों के लिए एक अलग 50 बेड का अस्पताल होगा, जिसमें मोबाइल, ये जो ये भान वैन होता है पेशेंट को ले जाने आने के लिए, वो भी उसमें व्यवस्थित किया जा रहा है। यानी मिला जुला करके सारे बेड पर ऑक्सीजन जनरेटर भी होगा, पाइपलाइन भी होगा, बच्चों के लिए भी होगा, और तीनों अनुमंडल अस्पताल में, और 1000 सिलेंडर आईओसी धर्मेंद्र प्रधान जी ने चेयरमैन से कहा है कि ये जिला को एडिशनल दें व्यवस्था के दृष्टि से। तो मैं समझता हूं कि अगर ये पहला जिला होगा जो कोविड के दृष्टि से बच्चों के लिए 50 बेड का सब तरह से सुसज्जित अस्पताल हो।